नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल मंडल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आज आपको व्हाट्सएप स्टेटस का कुछ ऐसा सेटिंग बताने वाले हैं, मतलब सेटिंग नहीं कहें उसे, कुछ ऐसा फीचर बताने वाले हैं, आप लोग उसे देख के चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग देख के चौंक जाएंगे, उसे यूज किस तरह करना है, किस तरह उसे सेट करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा सबसे टॉप में है वो हमारा वीडियो है, लेकिन मैं सिर्फ उसे ऑडियो ही सुनाना चाहता हूँ, मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से इसे मैंने ओपन करा तो ये वीडियो अभी चल रहा है, आप लोग को सुनाई नहीं देगा क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है ना, इसीलिए आप लोग को सुनाई नहीं देगा। अभी ये वीडियो चल रहा है लेकिन ये वीडियो नहीं, लेकिन अंदर से ऑडियो सुनाई दे रहा है, पर ये वीडियो किसी को नहीं दिखेगा, किसी भी और फ़ोन में कोई भी नहीं देख सकता इसको। जैसे मैंने इसको सेटिंग किया तो मैं इसे कैसे किया हूँ अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो चूज़ करता हूँ, कौन सा चूज़ करूँ, चलिए मेरा वीडियो है, मैं इसे चूज़ करता हूँ। आप लोग के सामने मैं चला के दिखाता हूँ, ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं किस तरह करता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऊपर आपको पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करते ही आप जो भी कलर रखना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं उधर ना कैसा रखा था, चलो मैं अभी यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड हो गया। अब आपको सिंपली इस स्क्रीन पे, फ़ोन का स्क्रीन पे कहीं भी टच करके रखना है 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड। जैसे तुम्हें आप देखो ये बदल गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो छिप गया लेकिन हमारा वीडियो नहीं दिखाई देगा, ऑडियो सुनाई देगा। अगर आप भी इसी तरह किसी को अपना वीडियो नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ ऑडियो ही सुनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं इसे सिंपली पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पोस्ट हो चुका है। और एक सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन, अच्छा सेटिंग नहीं है वो, मतलब ऐसे ही अपडेट है ये व्हाट्सएप की तरफ से, वो भी अपडेट काफ़ी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। दूसरा ट्रिक भी कुछ इसी तरह है, आपको सिंपली क्लिक करना है। मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, चलो अपना यूट्यूब का थंबनेल ही ले लेता हूँ, ये हमारे यूट्यूब का थंबनेल है। ठीक है, अब मैं इसमें एक इमोजी सेट करूँगा। इमोजी मैं किस कोई सा भी ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर चेंज करके। सिंपली पेन पे क्लिक किया, पेन पे क्लिक करते ही आप सिंपली किसी भी कलर में टैप कर दो। टैप करने के बाद टैप किया, देखो आप कलर पे स्वाइप करो, जहाँ भी उंगली लेके जाओगे वहीं का कलर आ जाएगा, देख सकते हो आप। अब मैं इस इमोजी को कहीं और उठा के रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, 1 सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखो 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 किस तरह कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से आप इमोजी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अब इसे रेड पे क्लिक करके छोड़ दिया, ये रेड हो चुका। अब मैं इसे ग्रीन करता हूँ, देखो 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 ग्रीन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी इमोजी का कलर को चेंज कर सकते हैं और इसे स्टेटस में छोड़ सकते हैं। कोई दूसरा बंदा अगर देखेगा तो उसे देख के सोच में पड़ जाएगा कि इसको आपने कैसे किया। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा पोस्ट हो रहा होगा, 1 सेकेंड मैं दिखाता हूँ। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा स्टेटस में आ चुका। हाँ देख सकते हैं आप, ये ग्रीन मैंने छोड़ा था, ग्रीन ही आ चुका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने इस व्हाट्सएप के फीचर को यूज करेंगे
अगर आपको पता नहीं था तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।